छत्तीसगढ़ को जिस तरह नेचर ने मिनरल्स रिच बनाया है, वैसे ही यहाँ के लोगों को डिटर्मिनेशन और बिजनेस सेंस में प्रभावित बनाया है। तो आज के सेलिब्रिटी टॉक शो में हम मिलेंगे स्टील इंडस्ट्री के वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर सुरेश गोयल से। मिस्टर गोयल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ज़्यादातर लोग अपने इंटरेस्ट और जिस चीज़ में वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं उसी के इर्द गिर्द अपना बिजनेस करते हैं जी। तो स्टील इंडस्ट्री से जुड़ने का क्या रीज़न था? देखिए काम्या जी, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन की जो शुरुआत हमारी हुई है वो संघर्ष के साथ हुई है। और बचपन में जब हम बड़े हुए तो 12th तक हमने रायपुर में स्कूलिंग की और उसके बाद फिर पापा का व्यवसाय था, उसके साथ में हम जुड़ गए। अगर हम बात करें स्टील से व्यवसाय से जुड़ने की तो हमारी स्टार्टिंग तो पॉलीमर बिजनेस से हुई। और आप ये कह सकते हैं कि जो वो दौर था नरसिम्हा राव जी का, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें नई नई की। और काम्या जी 2000 के आसपास माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत को एक नया राज्य दिया, छत्तीसगढ़ कहते हैं। और छत्तीसगढ़ क्योंकि इसकी धरा पे ही हम बोलते हैं मिट्टी की खुशबू है, यहाँ आयरन की खुशबू है, ये आयरन ओर रिच स्टेट है। तो जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हम स्टील को दिशा देकर इसके विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने रियायतों का दौर शुरू किया और उस दौरान ही स्टील में तरक्की आनी शुरू हुई। और हमने पहले 2004 में हमारे पहले प्लांट की नींव रखी गणपति इस्पात की। और उसके बाद में फिर हमने मुड़ के देखा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोहे में नए थे तो बीच में लोहे ने हमको अपनाया, हमने लोहे को अपनाया। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप मेरे ब्लड को भी चेक करेंगे ना तो उसमें भी थोड़ी सी आयरन की मात्रा ज़्यादा ही मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते 2017 में हम आए। 2017 में हमारी फ्लैगशिप कंपनी संभव की शुरुआत की और यहीं से हमने जो कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, कह सकते हैं कि आयरन ओर से हम, आप घर में जैसे मान लीजिए बर्तन में आप खाना बनाते हैं तो वो बर्तन जिस स्टील से बनता है, स्टेनलेस स्टील, वहाँ तक का सफ़र हम पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर विल बी अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं स्टील का इस्तेमाल कर कर, पर मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है? अगर आप उस पर थोड़ा हाईलाइट करें। हम बात करें संभव की तो पहले तो हम मैं समझाना चाहूँगा कि आपको हम सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर हैं। ओके। दो तरीके से स्टील बनता है। एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो टाटा है, IMNS है, और संभव JSW या टाटा के एट पार क्वालिटी सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपनी बनाता है। इसके लिए हमने जो है वो उच्च तकनीक की, हमारे यहाँ पे नैरो स्ट्रिप मिल जिसको कह सकते हैं, आपकी कम चौड़ाई की लेकिन उसी तकनीक की और उसी क्वालिटी की हमने स्ट्रिप बनाकर संभव में दिखाया है। और हम संभव में उस स्ट्रिप से पाइप बनाते हैं। अच्छा। GI पाइप बनाते हैं, GI हमारी भाषा में बोलता हूँ, गैल्वनाइज पाइप बनाते हैं। और प्री गैल्वनाइज शीट्स जैसे कोस्टल बेल्ट वगैरह में जहाँ पे कुछ नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्टील जल्दी ख़राब होता है, तो वहाँ पे भी हम जो प्री गैल्वनाइज शीट बनाते हैं उसके पाइप बना दिए, उनको यूज़ होता है। और फिर आप कह दीजिए अलॉय स्टील की तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं और स्टेनलेस स्टील की तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं। वाओ। तो जिस ब्रांड की नींव छत्तीसगढ़ में पड़ी, आज कौन से स्टेट्स में आपका स्टील इस्तेमाल किया जाता है? आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ तक आपका रेंज है? हम, आप कह सकते हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक करते हैं। हमारा फोकस गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, गोवा, लगभग भारत के हर एक प्रदेश के अंदर में हमारी स्टील की खपत है और हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने बताया छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है आयरन ओर के लिए बहुत अच्छी है। मैं ये जानना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारे हैं, तो किस तरह से ये स्टेट इतना बढ़ावा देता है एंटरप्रेन्योर्स को, या इतनी हिम्मत और अपॉर्चुनिटी कि आप जैसे और कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं जिन्हें इतना बढ़ावा मिलता है? जी, देखिए काम्या जी, ये स्टेट मैंने बताया आपको कि ये बेसिकली यहाँ पे आयरन ओर की अवेलेबिलिटी है। जो स्टील हम बनाते हैं वो स्टील भारत में उच्च गुणवत्ता का है। यहाँ कोयले की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे पूरे भारत में यहाँ से कोयला जाता है। आप ये मान के चलिए कि 90% कोयला जो भी आज की भारत में बिजली बनाता है वो यहाँ से जाता है। एंड हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम दिल में वो जज्बा रखते हैं कि, और छोटा शहर है हमारा, तो आपस में बहुत मित्रता है। और यही कारण है कि यहाँ पे हम हर दूसरे आदमी का सहयोग करते हैं, जिससे एक एंटरप्रेन्योर दूसरे को बनाता है, दूसरा तीसरे को बनाता है, और ये आप ही कह सकते हैं कि यहाँ उपज होती है एंटरप्रेन्योर की। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप बता रहे हैं लोगों के बारे में, वो मैं महसूस कर रही हूँ एज आई स्पीक टू यू। तो बताए कोई एक ऐसी जगह जिसे देखे बिना छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि छत्तीसगढ़ की धरा पे सब कुछ बिखरा पड़ा है। यहाँ भोरमदेव हैं, यहाँ हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी राजीव में विराजमान हैं, यहाँ वो जंगल हैं कह सकते हैं बस्तर के, जहाँ पे आप जाएंगे ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने ही काट के ये प्रकृति बना रखी है। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और झरने हैं, और आप कह सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात है। तो छत्तीसगढ़ की धरा में ईश्वर के साथ साथ प्रकृति की छटा बिखरी पड़ी है। आप आए हैं तो एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप राजीव में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है उसका दर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त निकालकर हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। और आप घूमने का शौक़ रखते हैं? जी ज़रूर। अच्छा, कौन सी जगह आपको बहुत पसंद है? मैं कहूँगा कि मुझे जो ठंडी जगह बहुत पसंद आती है। अच्छा। तो मैंने जब भी ठंडी जगहों पे गया हूँ, चाहे मैं मनाली गया हूँ, चाहे मैं देहरादून गया हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया है। और छत्तीसगढ़ में ठंड होती है? बहुत कम। हमारे यहाँ दो ही मौसम होते हैं, गर्मी या बहुत गर्मी। अच्छा। फिलहाल आज तो इतनी गर्मी नहीं है, आज तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। खुश आप आए हैं इसलिए। एक कंपनी को चलाने के दो पहलू होते हैं, एक तो खुद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना और दूसरा एक मोटिवेशनल टीम लीडर होना। किस तरह से आप वो अलाइन करते हैं? काम्या जी, मैं इसके ऊपर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी की, हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो ईमानदारी जो है वो हमारा सबसे बड़ा गुण होता है। हम बात करें क्वालिटी, हमारा सबसे बड़ा गुण है। हम बात करें यूनिटी, हमारा सबसे बड़ा गुण है। ईमानदारी के विषय में एक बात छोटी सी आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी। बचपन की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, संघर्ष के दिन थे। पिताजी जो हैं वो काम पे जाते थे, माँ घर में चूल्हा चौका करती थी, तो मम्मी बोलती थी बेटा सब्जी ले आ जाके। तो हमारे बाजू में सब्जी की मार्केट थी, तो मैं सब्जी लेने गया। और एक बार आगे मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी ये तो बड़ा बढ़िया काम मैं करके आया, मैं 7 रुपये आज कमा के लेके आया। मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया काम किया बेटा, लेकिन ऐसा किया क्या तूने, तू इतना ही बड़ा है। तो जब बात आई, मैं मम्मी मैं आज अपने छोटे कद का फ़ायदा उठाकर और सब्जी वाले की नज़र बचा के सब्जी ले आया। तो वो दिन था, वो मम्मी की दो चाँटों की गूंज आज ही मुझको सुनाई देती है। मम्मी ने बोला बेटा ये बेईमानी के रुपए हैं, और वो पैसे मुझे वापस दिए। मैं दे के आया और सॉरी बोल के आया। मेरी माँ ने मुझे वो पाठ पढ़ाया जिसको हम ईमानदारी कहते हैं, और आज तक उसी लक्ष्य को लेकर, और वही दिशा है मन के अंदर में कि इसी दिशा में आगे बढ़ना है। बात करूँ मैं यूनिटी की, काम्या जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे संभव का नाम जो है, आप देखिएगा SAMBHV, इसके अंदर में मेरे पिता, मेरे छोटे भाई और सबका नाम सम्मिलित है। उनके पहले अक्षर इनसे ही बनते हैं। तो ये मेरे भाइयों का, मेरे पिता का और मेरा एक यूनिट प्रयास है, एक साथ प्रयास है कि हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम ही संभव है। हाँ जी। तो हम संभावनाएं देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर में, और जो जिस काम के हिसाब से होता है, जो किस काम के लायक होता है, उसको उसकी जगह पे हम लगाते हैं। ये मेरी सोच है, और मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं और उनकी समृद्धि हो, उनकी कोई ज़रूरत हो, हम हर तरीके से उनके साथ खड़े रहें। ये हमारा फिलॉसफी भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आपने ट्रैवल के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह हैं जो हमें घूमनी ज़रूर चाहिए। जी जी। तो बताइए खा क्या सकते हैं यहाँ पर, सबसे प्यारी और स्पेशलिटी क्या है छत्तीसगढ़ की या रायपुर की इन स्पेसिफिक? रायपुर में काम्या जी बहुत कुछ है। आप कह सकते हैं वेस्टर्न फूड भी है, साउथ इंडियन फूड भी काफ़ी है, अब नॉर्थ का फूड भी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का दो दाल भात, अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं। इसको मूंगा की सब्जी यहाँ पे बहुत होती है, एक खेड़ा होता है यहाँ पे जो खाया जाता है। यहाँ के पारंपरिक जो खाना है वो बहुत ही लजीज है। आप देखेंगे कि आदिवासी जो हैं हमारे भाई हैं, यहाँ के जो लोग हैं बड़े प्यारे, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और वो जो अपने हाथ से जब प्यार से कोई बना के खिलाता है तो जो खुशबू जो आपको अंतर्मन को खुश दे, सुकून देती है, वही बात। और खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए, अपनी लाइफ लेसन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सब संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस सेलिब्रिटी टॉक शो। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।